الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسلم ثم قام مسرعا فتقطع رقاب الناس إلى بعض هجر نسائه ففضع الناس من سرعته فقاج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. कल के दर्स में आप हजरात के सामने ये बात बयान की गई कि नेकियों के काम में आदमी को सबकत करनी चाहिए और जहां कहीं भी नेकी का काम करने का मौका मिले तो आदमी उसमें पहल करे, उसमें सबकत करे। इस सिलसिले की पहली हदीस आपके सामने कल के दर्स में पेश की गई। आज के दर्स में उसी के सिलसिले को बाकी रखते हुए एक और हदीस आपके सामने पढ़ी गई जिसको अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर और मारूफ सहाबी हजरत उकबा इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया। बड़ी अहम हदीस है और बड़ी नुकात से भरपूर यह हदीस है। इस हदीस में बहुत सारे नुकते आपको मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। हजरत उकबा इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सल्लैतु वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनत, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने मुनव्वरा के अंदर असर की नमाज पढ़ी। फसल्लमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। थुम्मा क़ाम मुसरिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते ही फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान से निकल गए। फतक़त्ता रिक़ाबन्नास इला बादि हुजनिसाइहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर कर फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने पास जो अजवाज जो अल्लाह के नबी की बीवियों के जो हुजरे होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चले गए। फफदिअ अन्नास मिन सुरअतिहि, सहाबा इकराम जो नमाज में नमाज पढ़कर बैठे हुए थे, फफदिअ अन्नास मिन सुरअतिहि, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जल्दी जाने को देखकर वो लोग घबरा गए, परेशान हो गए। उसके बाद फखरज अलैहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने हुजरे से वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम बड़े ताज्जुब में हैं। सहाबा इकराम कुछ पूछने के अंदाज में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के इस हालत को देखकर आपने फरमाया आखिर परेशान होने की वजह क्या है। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, हमने देखा कि आप नमाज पढ़ाते ही फौरी आप अपने अपने बास बीवियों के हुजरे में आ गए, हम परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कर्तु शय्यन मिन तिब्रिन इंदना, मैं नमाज में था और नमाज पढ़ाते ही फौरी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे घर में सोने का एक छोटा टुकड़ा था। मेरे घर में सोने का एक छोटा तिब्र कहते हैं, तिब्र का मतलब अरबी जबान में होता है सोने की एक छोटी सी चीज जिसे आप जरा भी कहेंगे, जरा कहेंगे आप उसको। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे ही मैं नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो मेरे जहन में ये चीज आई कि वो सोने का जो टुकड़ा था मेरे घर में रह गया। फकरी तो अय्याहबिसनी, मुझे ये चीज नापसंद लगी कि मैं उस चीज को अपने घर में रोक के रखूं। फअमरतु बिकिस्मती, नबी ने फरमाया मैं जल्दी अपने बीवियों के घर को गया और मैंने उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तब जाकर मुझे सुकून हुआ, मैं वापस लौट गया। ये पूरी हदीस का तर्जमा आपके सामने पेश किया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में रिवायत किया। चलिए इस पूरी हदीस का तर्जमा आपने सुन लिया। अब इस हदीस से हमारे और आपके लिए इस हदीस में क्या क्या नुकात है, क्या क्या फायदे की बातें हैं, इसको हम समझ लें। सबसे पहले रावी हदीस कौन है, हजरत उकबा इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला। इस हदीस को पेश करने से पहले
एक बड़े अहम मसले की तरफ आपकी मैं रहनुमाई करूंगा। देखिए, अल्लाह के नबी का हर अमल हमारे लिए नमूना है। لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम की ये गवाही है कि आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को नमाज पढ़ाते, जब आप सहाबा की इमामत करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान अपना चेहरा उसी वक्त रुख करते जब तक के आप अलैहिस्सलाम तीन मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीन मर्तबा कहते, उसके बाद सहाबा की तरफ आप अपना रुख करते। यहां पर एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा का तबका यह है, आप जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा तबका जो लोग उनके इमामत करते हैं वो लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के फौरी बाद अपना चेहरा या तो किबले की तरफ रखते हैं, यूं पलटते हैं मगरिब की नमाज में डायरेक्ट, बगैर कोई सलाम फेरते ही ना अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं ना कुछ कहते हैं, फौरी लोगों की तरफ निगाह डालते हैं। जबकि अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि आप जब हमें नमाज पढ़ाते और नमाज खत्म करते तो आप सहाबा की तरफ रुख उसी वक्त करते जब तक कि आप अस्तग़फिरुल्लाह 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 थलाथा तीन मर्तबा आप इस चीज को करते, फिर उसके बाद एक दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये दो चीजें कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ रुख करते। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका गुमराही का शिकार है, वो फौरी क्या करते हैं, नमाज पढ़ा के फौरी दुआ की तरफ हाथ फेर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह कहते, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्र दुआ पढ़ते, फिर आप सहाबा की तरफ रुख करते। तो इस हदीस से पहला मसला ये निकला कि अल्लाह के नबी की सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों को यही पैगाम दिया कि अगर वो किसी की तरफ रुख करना चाहते हैं नमाज खत्म करते ही तो फौरी क्या करें, तीन मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह कहें, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी, इस दुआ को पढ़ने के बाद आप अपने साथी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नमाज फौरी सलाम फेर लिए अपने साथी की तरफ रुख कर लिए, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका यह है कि सलाम फौरी फेरने के बाद तीन मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्र पढ़े, उसके बाद अपने साथी की तरफ आप रुख कर सकते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ये पहला मसला इस हदीस से हमें और आपको मिला। दूसरा मसला इस हदीस से यह भी निकला कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनत अल असद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की आपने इमामत की मदीने मुनव्वरा के अंदर असर की नमाज, फसल्लमा आपने सलाम फेरा, थुम्मा काम मुसरिया, देखिए यहां पर देखो आप खुद सुन्नत की इत्तबा करने वाले थे, आपने क्या किया सलाम फेर दिया, फौरी आप उठकर खड़े हो गए। लेकिन सुन्नत क्या थी अल्लाह के नबी की, आप अस्तग़फिरुल्लाह तीन बार पढ़ते, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्र पढ़ते, फिर उसके बाद सहाबा की तरफ रुख करते। लेकिन यहां पर इस हदीस में आपने देखा कि अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, उसके बाद फौरी आप उठे अपने बीवियों के घर दाखिल हो गए। अब यहां पर सहाबा इकराम परेशान हो गए, जिंदगी में सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यही अमल कर रहे थे, लेकिन एक मर्तबा वाकया यह हुआ कि आपने सलाम फेरा, फौरी आप उठकर खड़े हो गए, फतक़त्ता रिक़ाबन नास, आपने क्या किया सहाबा इकराम की ऐसे, आपने सहाबा जो ऐसे बैठे थे आपने उनके कंधों को अपने हाथों से ऐसे हटाया, उसके बाद आप उनके दरमियान से गुजरते हुए आप अपने बीवियों के हुजरे में दाखिल हो गए। अब यहां पर मसला यह निकला, शेख सारे हुसैन रहमतुल्लाह ने इस टुकड़े के मुताबिक एक मसला यह निकला कि अगर कोई आदमी जरूरत के वक्त, मिसाल के तौर पर किसी आदमी को जरूरत लग गई या पेशाब की या फिर किसी और जरूरत की, नबी की सुन्नत तो यह है कि तीन मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें फिर आप अल्लाहुम्मा आइन अला ज़िक्र पढ़ें, लेकिन कभी कभार अगर जरूरत ज्यादा हो जाए आदमी को, जरूरत के वक्त आदमी सलाम फेर कर फौरी
अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। इस हदीस से ये मसला निकला। मिसाल तौर पर आपने सलाम फेर लिया, आपकी बहुत जरूरत थी, बहुत खतरनाक आपको जरूरत लग गई आपको। अब आप अगर वो चीज कर लेंगे तो फिर आपकी जरूरत निकल भी सकती है। तो ऐसे मौके पर आपके लिए ये चीज भी इस हदीस से मसला निकलता है कि आप उस वक्त फौरी सलाम फेंककर अपनी जरूरत को पूरी आप कर सकते हैं। ये पहला मसला इस हदीस से हमें और आपको मिला। दूसरा मसला इस हदीस से ये भी निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा इकराम ऐसे बैठे हुए थे, आपने अपने हाथ से उन्हें ऐसे हटाया। आम मौकों पर अल्लाह के नबी ने कैसे कभी भी ऐसे नहीं किया। अगर कोई आदमी किसी के कंधे को फलांग कर रहा है तो नबी ने उसे रोका है, लेकिन जरूरत के वक्त अगर कोई आदमी ऐसे जाना चाहता है तो जायज है, जा सकता है। इसकी दलील बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आप खुतबा दे रहे थे, जुमा का मौका था, एक आदमी को आपने देखा कि फौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, वो आदमी मस्जिद दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद उसने क्या किया, लोगों को फलांगते हुए उसने पहली सब दाखिल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की हरकत को देखा, मिंबर से ही आपने ये बात कही कि तुमने लोगों को तकलीफ दी। कहा कि तुमने लोगों को तकलीफ दी, क्यों? इसलिए कि तुमने क्या किया, लोगों को हटाकर तुम फलांगते हुए यहां आए, तुमने लोगों को तकलीफ दी, अल्लाह ताला भी तुम्हें तकलीफ में मुब्तला करेगा। इतना खतरनाक जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया। लेकिन यहां पर देखो, जरूरत थी आप सल्लम को, आपने क्या किया, सहाबा इकराम को आपने फलांग कर आप अपने घर में दाखिल हो गए। इस हदीस से दूसरा मसला ये निकलता है कि अगर कोई आदमी अशद जरूरत है तब ऐसे मौके पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें ऐसा भी करके वो आदमी आगे निकल सकता है। उसके बाद तीसरा मसला इस हदीस से ये भी निकला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत पर नगाह निगाह रखते थे। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के वो शागिर्द थे जो नबी की हर हर हरकत पर निगाह रखते थे। तो एक मुसल्लियों को चाहिए कि वो अपने इमाम की हरकत पर भी निगाह रखे, लेकिन अच्छी हरकत पर। ऐसा नहीं कि आप इमाम की हर हरकत पर निगाह रखें तो बेचारा इमाम मर सकता है, अरे ये क्या मेरी हर हरकत पर आप मौत कर रहे। नहीं, अगर इमाम के अंदर आपने कोई अच्छी खूबी देखी, अच्छी आदत देखी, तो आप उसकी अच्छी आदत पर निगाह रख सकते हैं। ये सहाबा इकराम का एक तीसरा मसला इस हदीस से हमें और आपको मालूम हुआ। उसके बाद फकाज अलैहि फरा अन्नहुम कद अजिबू मिन सुरअती, नबी अकरम सल्लम जब अपने घर से वापस लौट कर आए तो आपने सहाबा इकराम अलैहिम सलाम, सहाबा इकराम के आपने चेहरे को देखा कि सहाबा इकराम परेशान थे। परेशान क्यों थे? क्योंकि जिंदगी में आपने पहली मर्तबा ऐसा वाकया किया था, लेकिन किसी सहाबी को मजाल नहीं थी कि नबी के सामने इस बात का, आपके सामने ये बात पेश करने के, नबी आपने ऐसा क्यों किया। यहां पर एक अदब का तकाजा ये है, किसी भी आलिम को, किसी आलिम को आपने देखा कि कभी कभार ऐसा काम किया, तो अदब का तकाजा ये है कि अखलाक के दायरे में आप उससे वो सवाल पूछ सकते हैं। साहब इकराम भी अखलाक के दायरे में रहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल नहीं किया। नबी ने उनके चेहरे को देखा और आप समझ गए कि शायद साहब इकराम कोई डाउट हुआ। उसके बाद पांचवा मसला इस हदीस से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये आपको ये मालूम हुआ, قد ذكرت شيئا من تبر عندنا। देखिए यहां पर बहुत बड़ा मसला पेश करो आपके सामने, बहुत बड़ा मसला। आज का ये एक मसला है ना, इसको आप अपने घरों को ले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, क्योंकि आपने क्या किया, ज़करतु तिब्रम मिन इंदिना, नबी के घर में सोने का एक टुकड़ा था। अल्लाह के नबी को बाद में याद आया, अगर अल्लाह के नबी नूर होते, बशर नहीं होते, तो फिर नूर कोई चीज नहीं भूलता, बशर कोई चीज भूल सकता है। इंसान की फितरत में भूलना लिखा गया है। ज़करतु शिय्यन मिन तिब्रिन, ये जुमला इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी इंसान थे, और इंसान का तकाज़ा ये है कि इंसान भूल भी सकता है। छठा मसला इस हदीस से यह भी निकला कि अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सलम की इस हदीस से एक और मसला यह भी निकला कि कोई आदमी है, अगर आपको उसने अमानतदार समझकर कोई सदका अपना रखने के लिए दिया, आपको जिम्मेदार बनाया, तो आप जायज है कि उसका सदका आप ले सकते हैं। जिम्मेदारी आपको दी कि भाई इमाम साहब मैंने फला सदका आपकी जिम्मेदारी में कर दिया, आप इसे तकसीम कर दें, ये भी चीज जायज है। ये छह मसले इस हदीस से निकले
जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें इस हदीस की रोशनी में मिली हैं, अल्लाह सबके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।